Once again, and today we are going to solve suffer assessment paper 4. Okay, so let's do this very quickly. Assessment paper 4, section A. The story is totally on anger management. All right, let me rectify this is paper 3, not paper 4. Okay, there lived two brothers near a forest. ठीक है दो भाई एक जंगल के पास रहते थे जो बड़ा भाई था था वो वो बहुत ही mean था। mean का मतलब उसका सारा खाना खा जाता था एंड वेयर ऑल द न्यू क्लोथ और सारे नए कपड़े पहन लेता था ऑफ हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई के

शॉपिंग ट्री आफ्टर ट्री ही केम अक्रॉस अ मैजिकल ट्री जब वो पेड़ों को काट रहा था एक पेड़ काटा दूसरा पेड़ काटा तीसरा पेड़ काटा तो उसके बाद वो एक मैजिकल ट्री के पास आया द ट्री सेड ओ काइंड सर प्लीज डोंट कट माई ब्रांचेस उसने कहा ओ oh, सर आप बहुत दयालु हैं और आप मेरे ब्रांचेस को मत काटिए इफ़ यू स्पेयर मी आई एल गिव यू गोल्डन एपल्स अगर आप मुझे नहीं काटेंगे तो मैं आपको सोने का एप्पल दूँगा

If it didn't give him more apples, कि वो पूरे पूरेगा दिया द मैजिकल ट्री बिके जो मैजिकल ट्री था वो गुस्सा हो गया एंड शॉवर्ड अपॉन द एलर हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ टाइनल्स और उसके ऊपर बहुत सारी सुइया चुभा दी छोटी 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 सैकड़ों और सैकड़ों सुइया द एल्डर ब्रदर लेन द्राउंड क्राइंग इन पेन जो बड़ा भाई था वो जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा द यंगर ब्रदर हैड स्टार्टेड to become worried as his brother had not returned till late night जो छोटा भाई था वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसने देखा कि बड़ा भाई तो अभी तक आया ही नहीं ठीक है सो ही वेंट इन सर्च ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इसलिए वो अपने बड़े भाई की तलाश में चला गया ही वो एस्ट्रोनिस्ट वो आश्चर्यचकित हुआ टू सी हिज ब्रदर लिविंग इन पेन नियर द ट्री उसने देखा कि पेड़ के पास उसका भाई तो दर्द से कराह रहा है और उसमें सैकड़ों सुइयां जो हैं वो पियर्स यानी छुपी हुई थी उसकी बॉडी में ही रश्ड टू हिज ब्रदर व वो अपने भाई के पास दौड़ के गया एंड रिमूवड ईच नीडल और एक एक सुई उसने निकाल दी बहुत प्यार से और बहुत ही जेंटली ठीक है आफ्टर ही फनिस्ट जब जैसी उसने सारा आ, सारी सुइयाँ निकाल दी द लिटिल ब्रदर अपोलोजाइज्ड उसने माफ़ी मांगी फॉर ट्रीटिंग हिम बैडली उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए एंड प्रोमिस टू बी बेटर और उसने वादा किया कि वो एक अच्छा भाई बनेगा द ट्रीज सॉ देंज इ देखा कि बड़े भाई का दिल अब बदल गया है एंड गिव दुड एवर नीड और उसको सारे गोल्डन एपल्स दे दिए जिसकी उन्हें कभी जरूरत पड़ेगी ठीक है सो लेट सॉल स्टेप वन विंक द एल्डर ब्रदर वु टर्न इन टू इफ इफ हीस्टेक ठीक है तो कैसा था वो बुली था है ना चिढ़ाता रहता था थ्रेटनड करता था है ना बाय द एंड ऑफ द स्टोरी द एल्डर ब्रदर वाज रिग्रेटफुल अबाउट हिज एक्शंस व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन लैंडेड द एल्डर ब्रदर इन ट्रबल हिज ग्रीड ना वो बहुत ही ग्रीडी था बहुत लालची था डिस्पाइट द एल्डर ब्रदर्स रूड बिहेवियर द यंगर ब्रदर वाज कंसीडरेट है ना टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मींस अ चेंज इन वनस फीलिंग्स ठीक है Now, read the news article below and answer the questions that follow. If two people meet and neither is wearing a mask, अगर दो लोग मिलते हैं और उनमें से कोई भी मास्क नहीं पहनता है द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इज वेरी हाई ऐसे सिचुएशन में वायरस के ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इफ वन ऑफ देम इज़ वेरिंग अ मास्क अगर उनमें से किसी एक ने वायरस पहना है द रिस्क इज मीडियम मीडियम में रिस्क रहता है बीच वाला एंड इफ बोथ आर वेरिंग अ मास्क लेकिन अगर दोनों ने ही मास्क पहना है तो ये रिस्क बहुत ही लो हो जाता है सो पीपल शुड कीप देअ फेस कवर्ड विद अ मास्क इसलिए लोगों को हमेशा मास्क पहने रहना चाहिए एंड एंड ऑल्सो आस्क अदर्स टू डू सो और दूसरों को भी कहन, कहना चाहिए कि वो मास्क पहने फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी ठीक है ऐसा किसने बोला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बोला है जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं ना विच वायरस इज डिस्कस्ड इन द अब आर्टिकल दैट इज कोविड नाइनटीन राइट अकॉर्डिंग टू मिडअल एक्सपर्ट वेयरिंग अ मास्क कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस the poem given below consists of spelling errors identify the correct spelling from the given options be glad your nose is on your face be glad your nose is on your face not pasted on some other place for it if where were it is not you might dislike to dislike spelling so what is the correct spelling that is this l i k e dislike right imagine if you are if you are then you have to find out the <coughs> correct spelling this is precious this is again wrong p r e c i o u s okay so precious nose was sandwiched in between your toes that clearly would not be treat if you had before to smell your feet now your nose would be source of dread were it attached atop your head it soon drive you to despair Forever tickled by your hair within your ear, your nose would be an absolute cut catastrophe, for when you were obliged to sneeze. So the correct spelling of sneeze is S N, double E Z E. Okay, sneeze. Your brain would rattle from the breeze. Your nose, instead, through thick and thin, remains between your eyes and chin, not pasted on some other place. Be glad your nose is on your face. Okay. So, stem 10, the correct spelling is dislike. And here it's going to be precious. Okay. And the third one is sneeze. Okay. Now, let's solve section B. Take it quickly why did you give money to that beggar so you have to find out the correct option i feel sorry for him right so we what will be right here i feel sorry for him i cannot talk i can't walk away ignoring him you are just encouraging him to be lazy it's a bad habit vihan answers he looks old and sick rohan yes you do have a point okay Point is the correct option. You do have a point. See, I told you, Rohan. Alright. Next time, you also try to help the needy. Now, Vihan is saying, I am glad. Okay. I am glad to hear that. Fine. Complete the passage given below by choosing the most appropriate option. Man is. लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर कॉस्ड यहाँ पे क्या फील हो जाएगा कॉस्ड एयर कॉस्ड बाई द बर्निंग ऑफ फॉर्सल फ्यूल ठीक है द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इन टू द एटमोसफियर प्रिवेंट्स ठीक है वॉट विल यू पुट यिट्स प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम स्केपिंग बैक इन टू स्पेस एंड लीड्स टू राइज global global average temperatures global warming so the correct option is what will be put here effects global warming affects the average sea level and increase the spread of tropical disease so now we will solve stem 4 okay

If because it's conjunction. It took them the entire day to complete a simple task. So, what is a determiner? The baby enjoyed eating cereal, anaj. It was difficult for Rhea to walk in heels. Okay, so thank you so much for watching. Bye everyone.